Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 21st of July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, and जैसे कि आप सभी को पता है हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डेली बेसिस पे द हिंदू का पूरा आर्टिकल वो सारे आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट जाते हैं इसके अलावा वो सारे आर्टिकल्स जो कि एडिटोरियल सेक्शन को कवर करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज एंड अदर इश्यूज जो है हम थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर चुके हैं न्यूज़पेपर का, इसलिए शायद थोड़ा सा लेट हो रहा है. जैसा कि स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि उन्हें थोड़ा सा जल्दी न्यूज़पेपर चाहिए, एनालिसिस थोड़ा जल्दी चाहिए, तो देखिए वी आर वर्किंग ऑन इट. कोशिश कर रहे हैं कि हम 7 बजे से पहले पहले डाल दें, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस सम टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं कई बार जो है द हिंदू से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो है ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे हैं. तो अच्छा, हम ही नहीं सभी न्यूज़ चैनल्स जितने भी हैं वो सभी फेस कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए जो है कुछ इश्यूज़ देखे जाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम लेवल पे आपको जल्दी से जल्दी एनालिसिस हम लोग प्रोवाइड करवा सकें. और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हम इस पर वर्क कर रहे हैं तो कल से आपको जो है जल्दी 7 o'clock बिफोर 7 o'clock यू विल गेट द न्यूज़ एनालिसिस. ओके, सो डोंट गेट सो पैनिक एट ऑल, वी आर हेयर टू वर्क फॉर यू ओनली. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ यूके वैक्सीन प्रॉम्प्ट्स प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन अर्ली टेस्ट. मैं आपको बता दूँ यूके का ये दावा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे COVID-19 की वैक्सीन को लेकर, और ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जो है अप्रैल के अंदर किए थे, और अब जो है इनके रिस्पॉन्स दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ये पता चला है कि ये जो वैक्सीन्स है ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रही है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि हमने कोरोना वायरस पर जो है अर्ली टेस्ट किए थे, अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में हमने ये टेस्ट किए थे, और करीब 1077 लोगों के 1077 पार्टिसिपेंट्स थे जिन पर हमने ये टेस्ट किए थे. इसके अंदर हमने मॉडिफाइड रूप से वायरस को जो है मॉडिफाइड वायरस जो है उसे मॉडिफाइंग वे में जो है इन्फेक्शंस को रिलीज़ करने के लिए हमने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है हेल्प किया था, या ये जो वैक्सीन हमने यूज़ लिया था वो इस तरीके से काम करता है कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है उसकी इम्यून पर वर्क करता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल लैंसेट द वैक्सीन कैंडिडेट प्रोड्यूस्ड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एंड बूस्टेड द इम्यून सिस्टम. ये जो वैक्सीन है ये कैंडिडेट के अंदर क्या करता है, जिसके अंदर इस वैक्सीन को इम्पोज किया गया है, शॉर्ट आउट किया गया है, वो पर्सन के अंदर जो न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम होता है एंटीबॉडीज़ का उसे बूस्टअप करता है, और पर्टिकुलर जो न्यूट्रलाइज करता है जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करता है, उसी के साथ में एक पर्सन के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसे बूस्टअप करने का काम करता है. ठीक है, करीब 70% ऑफ पीपल जो हैं ऑन द ट्रायल डेवलप्ड ईदर फीवर और हेडेक एज साइड इफ़ेक्ट. साइड इफ़ेक्ट के तौर पे किसी को फीवर और हेडेक भी देखने को मिला, बट इसका जो रिज़ल्ट वो पैरासिटामोल से जो है कवर अप किया जा सकता है, ऐसा मेडिकल डिपार्टमेंट का कहना है. उसके अलावा हाई रिस्क पीपल सच एज हेल्थ वर्कर्स या एल्डरली जो लोग हैं शुड बी प्रायोरिटाइज दी और प्रायोरिटाइज टू रिसीव वैक्सीनेशन दी स्टडी एडेड. स्टडीज़ में ये भी कहा गया है कि जो लोग हाई रिस्क पर हैं या जिन लोगों को जो है एज वाइज जिनका जो खतरा जिनको बहुत ज़्यादा है, जो एज वाइज बहुत बड़े हैं और जिनको खतरा है इस COVID-19 का, उनको ये वैक्सीन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, उन्हें वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए इस वैक्सीन को. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बेसिकली टोटली बेस्ड है इन्हीं चीज़ों पर, इस आर्टिकल पर और इन COVID-19 के टेस्ट बेसिस पर. जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एम्स ने भी जो है कोवैक्सीन का फर्स्ट फेज़ का जो टेस्टिंग है उसे स्टार्ट कर दिया है, और उसी के साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये जो ट्रायल है ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया है ना.
तो समवेयर वी कैन से दैट अब हम लोग COVID-19 से जो है थोड़ा सा सिक्योर होने के लिए एक अच्छे वे में मेडिकल वे के अंदर जा रहे हैं, जो कि मेडिसिन वे में. बिकॉज देखिए समवेयर मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं COVID-19 ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, हर तरीके से चीज़ों को. सोसाइटी बेसिस पे अगर बात करें तो, लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बात करें तो, या और भी कई चीज़ों के अंदर अगर बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस देखने को मिले हैं. लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट्स और इस तरह का जो ये आउटकम्स है वैक्सीन या अदर चीज़ों का जो हम बात करें मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हम लोग मेडिकली भी ग्रो अप कर रहे हैं. जैसे कि इंडिया ने कोवैक्सीन की बात कही थी, उसके अलावा यूके ने, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये बात कही है कि उन्होंने ऐसी वैक्सीन को यूज़ लिया है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है ना, और बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है. सो समवेयर इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव एट ऑल, और हम ये कह सकते हैं गुड ट्रायल इवन. हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से मेडिकल फील्ड में वर्क होता रहा तो हम डेफिनेटली COVID-19 की वैक्सीन भी फाइंड आउट कर लेंगे. अब हम बात करेंगे लोन वेवर स्कीम की. बेसिकली क्या है ये स्कीम? 83% फार्मर्स जो है एलिजिबल फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम क्रॉप लोन वेवर स्कीम. लोन वेवर स्कीम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. इसके तहत जो टोटल एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको महात्मा ज्योतिर्बा राव फुल्ले जो है उसके तहत लोन वेवर स्कीम के अंदर सम्मिलित किया जाएगा. एक लिस्टेड फार्मर्स लिस्ट है जिनको जो है महात्मा ज्योतिबा राव फुल्ले जो है उनकी लोन वेवर स्कीम जो है, उनकी क्रॉप लोन वेवर स्कीम है. मतलब ये नाम रखा गया है महात्मा ज्योतिबा राव फुल्ले क्रॉप वेवर स्कीम. उसके तहत जो है 17,646 करोड़ तक जो है फार्मर्स को एलिजिबल किया गया है. इवन आई कैन सी 83% फार्मर्स जो है लोन वेवर स्कीम के तहत सम्मिलित हुए हैं और बिल्कुल बेनिफिट मिला है उन्हें, है ना. और ये करीब 27 लाख फार्मर्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है ये लोन, है ना. तो ये जो पर्टिकुलर लोन है ये लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा, और उनका ये कहना है कि वो इस लोन को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि लास्ट फार्मर्स तक लिस्ट में सम्मिलित जो लास्ट फार्मर है उस तक बेनिफिट ना पहुंच जाए. बेसिकली इसके तहत जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो फार्मर्स जो लॉसेस को गेन अभी एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं, और जो फार्मर्स जिनके पास में अमाउंट नहीं है या पैसा नहीं है जो है क्रॉप्स के अंदर इन्वेस्ट कर सके, उसी को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए, आम जनता की नीड्स को देखते हुए और सरकार की ज़रूरतों को देखते हुए ये फैसला किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि करीब हम लोग 17,646 करोड़ जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, मतलब इतना पैसा इस लोन वेवर स्कीम के तहत हम ऑलरेडी 27 लाख लोगों को दे चुके हैं. ये क्रॉप्स पर बेस्ड स्कीम है. इसके अंदर जो है जो लिस्टेड फार्मर्स हैं उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें से करीब 83% फार्मर्स ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं. और सरकार का कहना है कि हम तब तक उन लोगों को जो है बेनिफिट देंगे फार्मर्स को जब तक कि लास्ट फार्मर की नीड्स फुलफिल नहीं हो जाती, उसे बेनिफिट नहीं मिल जाता, ठीक है. 32.9 लाख एलिजिबल है, और ये जो है ये डेटा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा खुद दिया गया है वेब पोर्टल पर. फार्मर्स की लिस्ट में जो है ये मेंशन किया गया है, और इस स्कीम के तहत करीब करीब 21,467 करोड़ रुपीस की नीड है. ये 2019-20 का जो है एक स्कीम है उसके तहत डिसाइड किया गया डेटा है, जिसमें से करीब 17,646 करोड़ रुपीस जो है वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं अब तक फार्मर्स को, और करीब 27 लाख फार्मर्स इससे बेनिफिट मिल चुका है, उन लोगों को वो पा चुके हैं बेनिफिट. तो अब स्कीम को रिक्वायर है कि वो इस तरीके से मैनेज करें. करीब 19 लाख फार्मर्स जो है अभी तक अराउंड 19 लाख फार्मर्स बेनिफिटेड विथ अ टोटल नंबर ऑफ 11,993 करोड़ अब तक जो है जो स्पेंड किया गया टाइम था
अभी से थोड़ा टाइम पहले तक अगर हम बात करें तो करीब 19 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिल चुका था, लेकिन अभी आज के दौर के अंदर अगर मैं बात करूँ, आज के टाइम में करीब करीब 27 लाख फार्मर्स को ऑलरेडी ये लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो समवेयर गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है लोन वेविंग का, लोन वेवर स्कीम का, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और हम इसे यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉप्स के अंदर आने वाला स्कीम है, लोन वेवर स्कीम को जो है इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, लोन वेवर स्कीम जो है वो किस राज्य से उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर वन, दिस स्टेट दिस स्कीम इज related to or is a initiative of Maharashtra government, then it is right. The total number of farmers that are targeted in it are 17 lakh farmers, तो ये गलत है, because इसके अंदर total targeted number of farmers है वो 19 lakh है ना। इसके अलावा this crop loan waiver scheme is the और आई कैन से अंडर द नेम ऑफ महात्मा गांधी, देन इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज दिस इज़ द महात्मा ज्योतिबा राव फुल्ले क्रॉप वेवर क्रॉप लोन वेवर स्कीम। ओके, सो समवेयर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जा सकता है, और आपसे बिल्कुल क्लियर वे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो स्कीम है ये किससे संबंधित है और किस तरीके से कार्य कर रही है और कितने लोग इससे बेनिफिट ऑलरेडी पा चुके हैं या पाएंगे, है ना। द नेक्स्ट आर्टिकल इज इट इज़ द एडिटोरियल सेक्शंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडिटोरियल सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ नो राइट आंसर। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बेस्ड है स्कूल्स के रीओपन होने पर। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही है कि स्कूल्स को रीओपन किया जाए, काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि COVID-19 के चलते फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके के नॉर्म्स को फॉलो किए जा रहे हैं, तो स्कूल्स में इस तरह के नॉर्म्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना तो स्कूल्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी के चलते जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो एडिटर है वो इस आर्टिकल में ये शो करना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली इस पर संबंधित क्या सही उत्तर हो सकता है और क्या सही उत्तर नहीं मिला है अब तक हमें, है ना। अभी तक क्या राइट आंसर जो है जनरेट नहीं हुआ है और क्या डिसीज़न होना चाहिए। बेसिकली ये जो डिसीज़न है रीओपन करने का स्कूल को, ये कहीं ना कहीं देखिए, कल हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था, कल न्यूज़ आर्टिकल में हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। किसी का कहना है 31 जुलाई को स्कूल जो है रीओपन हो जानी चाहिए, किसी का कहना है अगस्त में होनी चाहिए, और किसी का कहना है अगस्त के बाद में सितंबर में होनी चाहिए, ठीक है। तो और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड भी नहीं किया, अप्रॉक्सीमेटली 50% प्लस ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि स्कूल्स रीओपन हो जाना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कब होना चाहिए, है ना। तो उसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है, उसी पर बेस्ड ये डिसीज़न बता रहे हैं कि सरकार ने जो डिसीज़न लिया स्कूल को रीओपन करने का, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है हमारी हमारी समझ पर, हमारी सोच पर, कि क्या वास्तव में ये जो स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा जो ये डिसीज़न दिया जा रहा है स्कूल को रीओपन करने का, ये अपने लेवल पे किसी भी एंगल से जो है खुद को प्रूफ सही प्रूफ करता है या किसी भी लेवल पे सही है क्या, ये इस पर बेस्ड आर्टिकल है। COVID-19 के चलते ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर काफ़ी इश्यूज देखे गए हैं, और जो पिछले 3-4 महीने से स्कूल्स बंद हैं, काफ़ी लोगों का ये, काफ़ी स्टेट्स का, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि स्कूल्स रीओपन हो जानी चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों का ये कहना है कि स्कूल्स रीओपन नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये जो देखिए फ्रेश वेव जो देखने को मिल रहा है इन्फेक्शन का, मतलब रिसेंटली जिस तरीके से स्पाइक देखने को मिल रहा है, डेली बेसिस पर जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिस लेवल पे उनका इफेक्ट देखने को मिल रहा है लोगों पे, समवेयर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है सिक्योरिटी पर, सोशल डिस्टेंसिंग की सिक्योरिटी पर, जहाँ हम लोग इतने प्रॉपर बड़े बड़े लोग भी जहाँ वर्क प्लेस स्टार्ट होने के कारण या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने के कारण, जहाँ बड़े लोग भी जो
एज वाइज और समझ वाइज काफ़ी बड़े हैं, वो लोग भी जहाँ पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को या अदर नॉर्म्स को, तो क्या ये पॉसिबल है कि स्कूल्स के अंदर जो है इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग या अदर जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस जो हैं, उन्हें मैनेज करते हुए स्टूडेंट्स के लिए क्या ये पॉसिबल है कि वो इन सब चीज़ों को फॉलो करें? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है. द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व सेटिस्फैक्ट्री. स्कूल को रीओपन करने का जो क्वेश्चन मार्क है वो अभी भी जो है सेटिस्फैक्ट्री वे में रिजॉल्व नहीं हो पाया है वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी. द मेजर्स बाय मैनी कंट्रीज हैव बीन एक्सपेरिमेंटल येट पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ सिवियर इम्पैक्ट टू द एजुकेशन प्रोसेस एंड लॉसेज ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का जो लॉस हो रहा है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका काफ़ी वो अवेयर है इस बात को लेकर कि एजुकेशन प्रोसेस पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. देखिए एजुकेशनल वे में अगर बात करें, नॉलेज वे में बात करें, स्कूल्स के वे में बात करें, तो समवेयर ये एक बहुत टेंशनजनक बात है कि 4-5 महीने तक स्कूल्स में एजुकेशन ना होना, स्कूल्स ओपन ना और रीओपन ना होना, जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए. तो इस सेक्शन का अपने आप में बंद होना और दूसरी तरफ COVID-19 के केसेस कंटिन्यूसली बढ़ना, तो और अनदर पार्ट अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल वे में अगर बात करें तो वो भी अनसक्सेसफुल साबित होना. देखिए स्कूल्स अपने लेवल पे बहुत ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बीन आर ऑलरेडी इन प्रोसेस. लेकिन देखिए जिन लोगों के पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिन लोगों के पास में कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स अवेलेबिलिटी नहीं है, जिन लोगों के पास में अदर चीज़ें जो अवेलेबल नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए? इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो क्या हमने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या अभी जो प्रोसीजर चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का और ये सारी चीज़ों का, क्या इस प्रोसीजर ने एजुकेशन सिस्टम को अलग अलग भागों में बांट दिया, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रिच पुअर, एलिजिबल नॉट एलिजिबल? तो क्या इस तरीके से डिवाइड हो चुकी है हमारी सोसाइटी, या क्या स्टूडेंट्स का इस तरीके से डिवाइड होना अपने आप में एक पॉजिटिव वेव है या पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि जनरली जो स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई होती है वो चीज़ें घर बैठकर मैनेज नहीं हो पा रही, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल वे में ले लीजिए या अनदर वे में ले लीजिए. तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये उसी पर बेस्ड है कि जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के तहत, जिस तरीके से जो है कुछ स्टेट्स का कहना है कि ये चीज़ें रीओपन नहीं होनी चाहिए स्कूल्स, कुछ स्टेट्स का कहना है रीओपन हो जानी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि अभी जो है रीओपन नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट आर चिल्ड्रन. कुछ लोगों का ये कहना है कि एजुकेशन के बिना जो है पॉसिबल नहीं है इस तरीके से सर्वाइव कर पाना बच्चों का. दूसरी तरफ जहाँ पे फेल्योर देखने को मिल रही है हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन जो कि चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल टेक्नोलॉजी बेसिस पर, तो वो उन बच्चों को इंडिकेट करता है, उन बच्चों को जो है सेपरेट करता है इस पूरी दुनिया से या इस टेक्नोलॉजिकल वेव से, जिनके पास में कंप्यूटर या अदर एक्सेसरीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है. वो लोग जो गांवों में रह रहे हैं उन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, या ये जो चीज़ें होती है लाइक कंप्यूटर्स या अदर जो सारी जो प्रोसेस हैं ये सब अवेलेबल नहीं है. तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. अब तक इसके बारे में कोई अल्टीमेट कंक्लूजन जो है वो नहीं देखने को मिला, अल्टीमेट डिसीजन नहीं देखने को मिला है, एंड ना ही हमें कोई बहुत करेक्ट आंसर देखने को मिला है. सो ये जो आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है, व्हाट वी हैव टू गो थ्रू डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन की डेवलपमेंट है एज ऑफ द पर्टिकुलर आर और टाइम, वी नीड अ रिमोट एजुकेशन, और इसके थ्रू जो है हम लोग एक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, इसके एक्टिव आउटकम्स आने की उम्मीद है, और ये कोशिश कर सकते हैं कि इस तरीके जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके के, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर हमें ना देखने को मिले और जल्दी ही इसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन हमारे पास में अवेलेबल हो. ओके, द नेक्स्ट इज रूल ऑफ मोब. देखिए मोब लिंचिंग की बात कही गई है. मोब लिंचिंग क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, एग्रेसिव ग्रुप ऑफ पीपल्स या क्राउड के द्वारा किसी को मार डालना. लिंचिंग इट मीन्स मार डालना, है ना, और एग्रेशन के तौर पे. अब चाहे वो आदमी गलत भी है, वो जिसे आप मार रहे हैं वो गलत भी है, कोई क्रिमिनल हम कह सकते हैं कोई कल्प्रिट भी है, लेकिन उसके बाद भी
दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन और राइट ऑफ पीपल टू डू सो, है ना। अब एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा ऐसी हरकत होना, इट मीन्स क्या ग्रुप को जो है जेल में डाला जाना चाहिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मोब लिंचिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स की सेवरल स्टेट्स के अंदर इस पर काफ़ी रूल्स बनाए गए हैं और कई सारे स्टेट्स में रूल्स तोड़े हुए देखे गए हैं। देखिए अभी रिसेंटली मोब लिंचिंग को लेकर काफ़ी रूल्स जो है ऑलरेडी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, और अभी काफ़ी स्टेट्स के अंदर रिसेंट इशूज़ जैसा कि असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जो चीज़ देखने को मिली 18 जुलाई को, वहाँ पर जो है इंसिडेंट देखने को मिला जहाँ पे 43-year-old बांग्लादेशी थे पर्सन जिनको जो लिंचिंग का शिकार हुए। तो समवेयर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो आर्टिकल है ये बिल्कुल करेक्ट पिक्चर शो कर रहा है कि क्या इस तरीके के सीन्स अभी रिसेंटली पाल ग्राम के अंदर देखने को मिला, पाल गांव जो था उसके अंदर, और भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे देखने को मिला है कि किस तरीके से जो है मोब एग्रेसिव मोब के द्वारा लिंचिंग का जो है केसेस सामने आ रहे हैं और उनका उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं फेल्योर शो कर रहा है हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है जिसे हम जुडिशियल सिस्टम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि न्याय प्रक्रिया जो चल रही है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। तो क्या अपने आप में ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है मोब लिंचिंग, क्या एक सही तरीका है? तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही नेगेटिव वे है, एक बहुत गलत तरीका है कानून को अपने हाथ में लेते हुए इस तरीके की हरकत करना। और गवर्नमेंट के सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स और रूल्स को कट शॉर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सामने आता है। तो ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है। पॉलिटिकल लीडरशिप आल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन क्वेश्चनिंग द सोशल कंसेंट दैट अलाउज मोब वायलेंस। मोब वायलेंस को जो अलाउ करता है सोशल कंसेंट, उसको जो है क्वेश्चन मार्क करने की, उससे जो है प्रश्न उत्पन्न करने की या उसके बारे में जो है विचार करने का एक पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट और ज़रूरत है जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा उन मुद्दों को जो है सॉल्व की करने की कोशिश की जाती है जो कि यूज़लेस होते हैं। तो ज़रूरत है कि मोब लिंचिंग के मुद्दे को या मोब लिंचिंग से रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या इससे रिलेटेड जो प्रताड़ित हो रहे लोग हैं उनके लिए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। मोब लिंचिंग जहाँ रूल्स ऑलरेडी ब्रेक दिखाए होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे नॉर्म्स को या ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करने की ज़रूरत है जो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन्हें रोक सके और उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी पर भी था। नेक्स्ट आर्टिकल इज मोर देन अ क्राइसिस अ चांस टू रीबिल्ड हेल्थ केयर। अच्छा, एक आपके लिए होमवर्क है कि अभी रिसेंटली जो है मोब लिंचिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बनाए गए हैं। तो क्या है हमारे इंडियन जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पैनल है या इंडियन जो गवर्नमेंट पैनल है या रूल्स पैनल है, तो उसके अंदर क्या रूल्स बनाए गए हैं मोब लिंचिंग से रिलेटेड, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मोर देन अ क्राइसिस अ चांस टू रीबिल्ड हेल्थ केयर। ये जो सिचुएशन है COVID-19 पेंडेमिक की, उसको मैनेज करना अपने आप में एक इनोवेशन है और उसके अंदर इनोवेशन जो है ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, है ना। रिवोल्यूशनाइज केयर डिलीवरी एंड रिलेटेड आउटकम्स जो है उस पर यहाँ पे बात की गई है। ये इंडिया की हेल्प कर सकते हैं जिस तरीके से केयर डिलीवरी की जा रही है या फिर हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरीके से जो है हम कह सकते हैं टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, जो एक्टिवनेस जो है दिखाई दे रही है लोगों के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर, मेडिकल टीम्स के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बिल्डअप करने में हेल्प कर सकता है। तो ये जो पूरा क्राइसिस है, जो पेंडेमिक का दौर है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा चांस लेकर आया है जिसमें वी कैन वर्क ऑन आर ओन पोटेंशियल्स। ओके, वी कैन वर्क टू बिल्ड अप आर ओन यू नो मेडिकल स्ट्रैटेजीज, मेडिकल आई कैन से ऑरा क्रिएट कर सकते हैं हम अपना, जिसके अंदर हम टॉप क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, टॉप क्लास जो मेडिकल फील्ड में जो अचीवमेंट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं क्योंकि हम उस फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं,
है ना। तो जो हेल्थ केयर और जिसका जो हेल्थ से रिलेटेड जो डिलीवरीज हैं, केयर डिलीवरीज जो अवेलेबल थी, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अब तक हम देखी जा रही थी हमारे द्वारा, तो उन सब चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश की जा सकती है इस COVID-19 के दौर में, क्योंकि ऑलरेडी वी आर प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स। और अगर इन्हीं प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू किया जाता है तो आने वाले टाइम में इंडिया का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन क्रिएट करेगा, या एक बहुत पॉजिटिव वे में इंडिया के मेडिकल सिस्टम को लेकर जाएगा। इवन वो एक बहुत ही डेवलप्ड और अन्य देशों के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करेगा इंडियन मेडिकल रिफॉर्म्स के अंदर, है ना। तो उसी पर बेस्ड है ये आर्टिकल। अब जो है एक्ट का अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे सामने इस एक्ट को करने के लिए, इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर क्या की स्टेप्स होने चाहिए हमारे मेडिकल फील्ड में, अदर देन दिस ऑन टेस्टिंग क्या स्टेटमेंट्स दिया गया है एडिटर द्वारा, उसके अलावा जो बायोटेक के क्या चांसेस है बायोटेक के लिए, तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई हैं। इस क्राइसिस के दौर में हम कैसे जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को या हेल्थ केयर को रीबिल्ड कर सकते हैं और एक जो है रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं मेडिकल फील्ड में, तो ये पूरा आर्टिकल इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल इज बिग रिफॉर्म्स ऑन द रॉन्ग ट्रैक, द प्लान्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ सम सर्विसेज ऑफ द इंडियन रेलवे। मैं आपको बता दूँ इंडियन रेलवे का कुछ पार्ट जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया है, मतलब प्राइवेटाइजेशन पर बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो ये जो कुड इम्पैक्ट मेंटेनेंस ऑपरेशंस एंड वेलफेयर, जो पर्टिकुलर प्लान किया गया है एरिया प्राइवेटाइज करने के लिए, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ऑपरेशंस की ज़रूरत है, वेलफेयर की ज़रूरत है, ये टाइम टू टाइम इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली इनकी रिक्वायरमेंट है ना। तो ये जो बहुत बड़ा रिफॉर्म जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइज एकमात्र ऐसी सर्विसेज है तो जो 100% जो है गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में थी, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी, और उसे रिसेंटली जो है प्राइवेटाइज करने की एक कोशिश की गई है, एक ट्रायल लिया गया है, तो उसे इस तरीके से लेकर जाना चाहिए कि रॉन्ग ट्रैक पर ना जाए और इसे जो है पर्टिकुलर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस ऑपरेशंस और वेलफेयर की नीड है उसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है कि स्पीड और जो चेंजेस लाने हैं, उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कैसे फिक्सअप करना है, ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, या IRCTC को क्या विचार होने चाहिए, या IRCTC के अंडरटेकन जो है क्या नॉर्म्स एंड रूल्स होने चाहिए, और उन्हें किन चीज़ों पर बल देना होगा, जोर देना होगा, किन चीज़ों को मेंटेनेंस या ऑपरेशन की नीड होगी, तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो रिसेंटली देखने को मिला है उस कंट्री के अंदर जहाँ पे 100% जो है पब्लिक सेक्टर के हाथ में आता था या पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व था रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो, लेकिन रिसेंटली उसे प्राइवेटाइज करने की जो एक पहल की गई है या कोशिश की गई है वो एक नया और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है, लेकिन उसी के साथ में एक टेंशन्स या जो हम कह सकते हैं कि एक जो है एक्स्ट्रा केयर जो है कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा केयर पर ध्यान देने पे जोर देती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में समवेयर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट्स ना होने से या ज़्यादा जो है आँख निगाहें ना होने से समवेयर वो अपने वर्क को जो है 100% नहीं पे कर पाते, तो उसी को देखते हुए जो है ये बात कही गई है कि इंडियन रेलवेज को ज़रूरत है इस पर्टिकुलर फील्ड में एक प्रॉपर इम्पैक्ट मेंटेनेंस और ऑपरेशंस और वेलफेयर की। ओके, सो दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।